राजस्थान से बिखरा हुआ टिड्डी दल हिसार जिला में घुस चुका है। टिड्डियों को लेकर जिला प्रशासन की 10 टीमें दिन रात भर लगी हुई है, परंतु अभी टिड्डी दल हिसार में खत्म नहीं हुआ। टिड्डी दल हिसार के तलवड़ी, बादशाहपुर, बासड़ा, मुकलान, पनीबार, कोठी, चौधरीवास और सरसाना में पहुंच चुका है। टिड्डी दल के आने से गांव में हड़कंप मच गया है। हिसार से हमारे संवाददाता परवीन वर्मा की रिपोर्ट। कल लगभग 12:30-1 बजे राजस्थान के लगता गांव है मेरे यहाँ, हमारे साथ ही बासड़ा के साथ लगता हुआ, वहाँ से बासड़ा और गावड़ के बीच में जो खेत थे उनके अंदर यहाँ टिड्डी दल ने जो है एंट्री की थी। और जैसे ही ग्रामीणों के फोन आए, पता लगा, तुरंत मैंने कृषि अधिकारियों से संपर्क किया, प्रशासन के लोगों को भी कहा और प्रशासन की पूरी टीम को लेकर के मैं खुद भी वहाँ पर पहुँचा और तमाम जो कृषि अधिकारी है और उन्होंने इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ मौके पर बुलाया और लोगों को अवेयर किया कि भी दिन के अंदर तो, क्योंकि दिन के अंदर उड़ती है इसलिए दिन के अंदर तो आप कोई भी ढोल डीजे या पिपे या परात थाली जो भी बजा करके उनको भगाने का काम किया तमाम जो है किसानों ने। और उसके बाद में शाम को जो उनका जो पड़ाव था, क्योंकि शाम को ये बैठती है सारी, ये गावड़ गांव के अंदर बनी के अंदर बैठी थी और वहाँ चार गाड़ियाँ जो है फायर ब्रिगेड की और ले जा कर के उनके ऊपर स्प्रे करवाया गया। और इसके साथ साथ जो बासड़ा गांव के कुछ उसके एरिया के अंदर बैठी थी वहाँ भी किसानों को दवाइयाँ दी गई, वो अपने जो स्प्रे पंप जो होते हैं ट्रैक्टर वाले उनको ले जा कर के उनके ऊपर स्प्रे करवाया गया। और आज के दिन अभी तक कोई टिड्डी हमारे इस जिले के अंदर भी नहीं है। जो कल हम जैसे अभी जो टिड्डी जहाँ भी बैठती है शाम को, ये रात को अंधेरा होते ही बैठ जाती है और वहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है सरकार की तरफ से। ये भी जो जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं कोई शाम को ऑपरेशन किया होगा, उसमें 20-30% जो बच जाती है वो आई थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, कुछ नुकसान तो हुआ है लेकिन अधिकारियों के सुस्ती के कारण, समय पर रहते संभालने के कारण और रात को जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और उसके अंदर 12-13 स्प्रे पंप लेकर के जो उसके ऊपर छिड़काव करने का काम किया, उससे उनके ऊपर काबू पा लिया गया है। आज के दिन मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा यहाँ का जो है नहीं हुआ है।